चलिए नमस्कार दोस्तों, आपको YouTube चैनल में कुंदन शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज देखते हैं IIT का जो बच्चों IIT और JEE के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं उसको आज बताने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप लोग पढ़े होंगे टेन एक्स का पावर जो इन्फिनाइट तक जाता है, उस टाइप्स का क्वेश्चन बनाने में हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जो कि आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो डेरिवेटिव नहीं हो पाती है। जो डेरिवेटिव करने के लिए हम सोचते हैं कि इसको डेरिवेटिव कैसे कर पाएंगे, या फॉर एग्जाम्पल में साइन एक्स का पावर जो इन्फिनाइट तक जाता है उसको हम सोचते हैं कि इसको कैसे डेरिवेटिव करें। तो चलिए उसी टाइप्स का जो क्वेश्चन है उसको आज सॉल्व करके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जो है कि y इक्वल टू दिया हुआ है x के पावर जो है कि आपका इन्फाइनाइट तक दिया हुआ है, जो कि आपका इन्फाइनाइट तक जाता है। तो चलिए इन्फाइनाइट तक जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए जो x का पावर जो है x है उसको लेट कर लेते हैं। तो मान के चलिए उसको लेट कर लिए, y लेट कर लिए, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर y हो जाएगा, जो कि x के पावर जो था उसको लेट कर लिए। आप क्या करेंगे, बोथ साइड लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x के पावर y हो जाएगा। यानी कि y जो है हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है log m के पावर n है, जब log m के पावर n होता है तो इसको लिख सकते हैं n log m ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, log y इक्वल टू y को पहले लिख देंगे उसके बाद log x लिखेंगे। चलिए यहाँ तक तो हो गई। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 1/y हो जाएगा, क्योंकि log y का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। और आपका y का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। अब देखिए u into v पे इसको करेंगे। u into v क्या होता है, u को बाहर लाएंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, log x को बाहर करेंगे और आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx इक्वल टू y, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और प्लस में आपका जब इसका log x का तो log x ही लिखेंगे, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x ही लिखेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। y का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। अब देखिए dy/dx जो है इसको ए साइड लेकर आ रहे हैं, ए साइड जो है प्लस में, ए साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए साइड है प्लस में, ए साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में, 1/y dy/dx, और ए साइड है प्लस में, ए साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि log x dy/dx हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में y into 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं log x और 1/y, या dy/dx को कॉमन कर लेंगे। जब dy/dx को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/y और यहाँ पे बचेगा log x, यानी कि यहाँ पे 1/y बचेगा और यहाँ पे log x बचेगा, और इक्वल में जो आपका है इक्वल में है y, यानी कि y/x हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, dy/dx को वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड y से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे y/y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस में y/log x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y²/x हो जाएगा। अब यहाँ dy/dx क्या लिखेंगे, dy/dx जो है यहाँ पे लिखेंगे y²/x(1 - y log
एक से, यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि यही आपका प्रूफ करना था। चलिए,